तो फ्रेंड्स, लिफ्ट एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम एंटर करके बस सिर्फ एक बटन प्रेस करके एक मंजिल से दूसरे मंजिल में ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में कुछ सेकंड में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि ये लिफ्ट कैसे काम करती है। तो दोस्तों, ये वीडियो पूरा देखिए। तो दोस्तों, ईयर 1852 में एलिसा ओटिस ने लिफ्ट का इन्वेंशन किया, मतलब इसका आविष्कार किया। तो दोस्तों, ये लिफ्ट कैसे काम करती है ये जानते हैं। तो लिफ्ट्स के दो प्रकार होते हैं, पहला होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट और दूसरा होता है केबल ड्रिवन और ट्रैक्शन एलिवेटर लिफ्ट। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक लिफ्ट का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक में दिया है, वो वीडियो आप जरूर देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं ट्रैक्शन एलिवेटर लिफ्ट से। केबल ड्रिवन और ट्रैक्शन एलिवेटर लिफ्ट, ये लिफ्ट बहुत ही पॉपुलर एलिवेटर टाइप्स लिफ्ट होते हैं। ये लिफ्ट ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। ये लिफ्ट मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में इसका ज़्यादा उपयोग होता है, जैसे कि 40-40 और 60-60 मंजिली इमारतों में इसका ज़्यादातर उपयोग देखा जाता है। तो दोस्तों, ये पुली सिस्टम पर आधारित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें तो हमें कुएं में का पानी निकालना है, तो हम बाल्टी को रस्सी बांध कर बाल्टी को कुएं में डालेंगे और ऊपर पुली की सहायता से हम कुएं का पानी आराम से निकाल सकते हैं, वो भी कम मेहनत से। तो दोस्तों, यहाँ पर दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि हम कुएं का पानी बाल्टी से निकालते हैं वो मैन्युअली, और यहाँ पे हम लिफ्ट को ऑपरेटिंग करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के माध्यम से। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है लिफ्ट में। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर ये एसी हाई वोल्टेज टाइप होते हैं और थ्री फेस इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक मोटर को हम ट्रैक्शन व्हील को जोड़ा जाता है और ट्रैक्शन व्हील के ऊपर से हम स्टील केबल जॉइंट करते हैं। तो स्टील केबल ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है, मतलब स्टील केबल ए पतले पतले तारों को इकट्ठा बांध कर लपेट कर ये पूरा एक गट्ठा स्टील केबल बनाया जाता है। और स्टील केबल ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। ये स्टील केबल लोड के हिसाब से यूज़ किया जाता है। स्टील केबल के एक एंड को हम मेटल बॉक्स को जोड़ा जाता है, उसे लिफ्ट कहते हैं। तो ये लिफ्ट मेटल बॉक्स का भी बनाया जाता है और ये ग्लास का भी बनाते हैं। तो दोस्तों, स्टील केबल का एक एंड, दूसरा एंड हम जोड़ते हैं काउंटरवेट को। काउंटरवेट वो बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी हम लिफ्ट में एंटर करते हैं और बटन प्रेस करते हैं तो कंट्रोल यूनिट से इलेक्ट्रिक मोटर को ज्ञात हो जाता है कि इलेक्ट्रिक मोटर रन करनी है। जैसे ही हम बटन प्रेस करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर चालू हो जाती है। जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर चालू हो जाती है, उस पर लगाया हुआ ट्रैक्शन ड्रम या व्हील रोटेट होने लगता है। जैसे ही रोटेट होता है तो लिफ्ट ऊपर या नीचे चालू हो जाती है, वो भी अपने सेफ्टी के साथ। और दोस्तों, यहाँ पर जो काउंटर वेट होता है वो बैलेंस के लिए होता है, ताकि लिफ्ट बैलेंस हो सके। तो दोस्तों, ये लिफ्ट बैलेंस होती है एक काउंटर वेट से, और इसका मेन पार्ट होता है इलेक्ट्रिक मोटर। उसके रोटेट होने पर ये नीचे या ऊपर होती है। तो दोस्तों, इस तरह ये लिफ्ट काम करती है। इस लिफ्ट में बहुत सारे सेफ्टी डिवाइस लगाए होते हैं, जैसे कि सेफ्टी ब्रेक सिस्टम भी लगाया होता है। जब भी यदि ये स्टील रोप टूट जाते हैं तो वहाँ पे ब्रेक सिस्टम लगाया होता है, ताकि अर्जेंट में ब्रेक लग सके। और लिफ्ट के अंदर एक शॉक ऑब्जर्वर लगा रहता है ग्राउंड फ्लोर पे। यदि स्टील केबल टूट जाती है तो लिफ्ट आराम से वहाँ पे प्लेस हो सके बिना कोई हानि या नुकसान पहुँचाते हुए। तो दोस्तों, इस तरह यह लिफ्ट काम करती है। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें।